इसका अर्थ था कि जो कुछ मेरे जीवन में क्यों ना चल रहा हो, सब कुछ परमेश्वर के कारण भला है, अच्छा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने एक सुंदर वचन हम तक पहुँचाया भजन 11 से, और उसके विषय में एक लघु संदेश मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। और इसके लिए परमेश्वर के साथ साथ हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये समय मुझे दिया। और जब वह सूचनाएँ दे रहे थे उन्होंने एक बात आपसे कही कि उन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ, जब हम यहाँ पर BTH में पढ़ाई करते थे तब सर के पास उतना समय नहीं होता था, वो बहुत सेवा में व्यस्त होते थे और बहुत कम समय ही अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाते थे। तो जो उस समय के अंडर ग्रेजुएट थे वो तरसते थे कि सर की कक्षा उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी तो डिप्लोमा वाले बहुत आशीषित हैं, वीकली एक दो कक्षा उनको मिल जाती है। मैंने क्लास में भी ये बात उनको बोला कि आप लोग बहुत धन्य हैं जो आप लोगों को डॉक्टर थॉमस की कक्षाएँ मिल रही हैं। हमारे समय में केवल MDUs को मिलती थी, और जो BTS थर्ड ईयर वाले हैं कभी कभार एक आध कंबाइंड क्लास उनको मिल गया तो मिल गया, अन्यथा उनकी कक्षा मिलना सबका सपना था। लेकिन जब आगे मैंने पढ़ाई की और MTH के लिए जब मैं वापस आया तब मेरी वो इच्छा पूरी हुई और लगातार उनकी कक्षाओं में बैठने का, उनको जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, समझ दिया है, अनुभव दिया है, बुद्धि दी है, उन सब का आदान प्रदान उन्होंने हमारे साथ किया और वो इच्छा जो पुरानी थी वो पूरी हुई। तो ना केवल उन्होंने हमें पढ़ाया है लेकिन मैं कहना चाहूँगा उन्होंने अपने जीवन से हमें प्रभावित किया है। मेरे पूरे परिवार को, क्योंकि मेरी वाइफ कम से कम 10-15 साल से उनको सुन रही है, तो कहना चाहूँगा हमारा पूरा फैमिली उनके द्वारा प्रभावित है, ना केवल आत्मिक बातों में वरन यदि कहें तो बौद्धिक, धर्म वैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, इवन कब क्या खाना है, कैसे खाना है, कब नहीं खाना है। केवल मेरी वाइफ स्टार्टिंग में तो बहुत परेशान हो जाती है लेकिन अभी वो पूरी ट्रेन हो गई है, वो मुझे बताती है कि कब क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक एक चीज़ें जो अच्छी बातें हैं हमने सीखी है वो हमारे वरिष्ठ पासवान और हमारे शिक्षक डॉक्टर थॉमस और मिसेस थॉमस के द्वारा हमने सीखा है। और जो कुछ भी आज अब हमें देखते हैं, जो कुछ आपको हमें पसंद आता है, एक भाई से पूछा गया कुछ दिन पहले तो क्या करना है, क्योंकि रिव्यू लेते हैं तो वो बोलते हैं सर मुझे आपकी तरह बनना है। मैं बोला बहुत बढ़िया, यदि कोई भी बात यदि आपको हमारे जीवन की पसंद आती है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा एक बहुत बड़ा प्रभाव, एक बहुत बड़ा योगदान उसमें हमारे वरिष्ठ पासवान का और उनकी प्रिय पत्नी का रहा है। और उसके लिए मैं उनका कर्जदार हूँ। और जिस किसी रीति से उनकी सेवा में यदि अवसर मिले तो उसे पूरा तो अदा नहीं कर पाएंगे लेकिन सदैव हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से उनकी शिक्षाएं, उनके प्रचार और उनका जीवन कई एक जवानों को, कलीसिया के विश्वासियों को प्रभावित करता जाए, ताकि उनकी सेवा के क्षेत्र में, उनके जीवन में, उनके परिवार में वो एक प्रभावशील व्यक्ति बनने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो धीरे बोलो जब जोर से आवाज आती, मैं जोर से बोलूंगा तो आपकी आवाज बहुत कम हो जाती। हालेलुया। आइए हम सभी जो सुंदर भजन हमारे सामने रखा गया उसमें हम आ जाएं। एक लघु संदेश रहेगा। पिछले बार जब भजन उद्बोधन मैंने किया था, भजन 10 हमने पढ़ा, सुना, समझा, और आज भजन 11 हमने पढ़ लिया है। हम प्रयास करेंगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि आज किन बातों को परमेश्वर हमें इस भजन से सिखाना चाहता है। और आपको पता है 7 लोगों को जिनका कहना चाहिए कि नाम ए से स्टार्ट होता है, राइट, आपके सामने रखा गया। सर को नहीं मालूम था कि आज भी 7 बिंदुए हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। कई बातें वैसे इस भजन में हैं लेकिन जो समय हमारे सामने है उसमें अधीन रह करके 4 या 5 बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। एक बहुत खूबसूरत भजन जिसका लेखन हारा परमेश्वर का चहेता प्रिय दाऊद है। और अधिकतर धर्म विज्ञानी और जो विद्वान इस बात को मानते हैं कि इस भजन को उसने तब लिखा जब वह शाऊल से अपने प्राण को बचाते हुए भाग रहा था।
आप सबको पूरी पृष्ठभूमि कहानी बता है, तो उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि भजन में मुझे बने रहना है। और जब वो भागा भागा फिर रहा था, उसके कुछ मित्रों ने, सलाहकारों ने उसे कुछ सलाह दिया, उस पर आधारित रहकर उसने इस भजन को लिखा है। यह पुराने नियम के धर्म विज्ञान और विद्वानों का मानना है। इस पृष्ठभूमि के साथ सात बातें, सात आयत इसमें है, सात बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। और भाई का भी धन्यवाद जो पावर पॉइंट में हेल्प कर रहे हैं युवराज। ये सात बातें आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन सात बातों को इन सात आयतों में हम देखते हैं जो सब ए से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली बात आप देखते हैं इसमें एक एडवाइस है, एक सलाह है। और मुझे याद आता है कि आज से लगभग 1.5 साल पहले हमारे वरिष्ठ पासवान ने एक संदेश दिया था, और मैं कहना चाहूंगा दो संदेश दिया था, जो पूरी और पूरी तरह केवल सलाह पर आधारित था। क्योंकि उन दिनों में कुछ गलत सलाहकार भी उठ खड़े हुए थे और कुछ लोगों को बरगला रहे थे, भरमा रहे थे, तो वो संदेश समय संगत था उस समय के लिए। और यहां पर भी कोई है जो दाऊद को सलाह देता है, हम जाएंगे उसमें आगे, सलाह एडवाइस। दूसरी बात आप देखते हैं अटैक, आक्रमण, कैसे शत्रु आक्रमण करता है इसके विषय में दाऊद हमें बताता है, अटैक आक्रमण। तीसरी बात एंग्जाइटी, चिंता आप देखते हैं हम, एक प्रश्न, जब कभी प्रश्न चिन्ह आता है ना, तो आप जैसे हमारे सर बोलते हैं चेहरे में आपके मुझे प्रश्न क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्योंकि आदमी चिंतित हो जाता है, चाहे धर्म वैज्ञानिक प्रश्न हो, बाइबल आधारित प्रश्न हो, या जिंदगी के घटनाओं पर, संकटों के ऊपर कोई प्रश्न। और जब कभी प्रश्न चिन्ह आता है, प्रश्न चिन्ह के साथ चिंता भी पीछे आ जाती है, और जब चिंता पीछे आ जाती है तो लेट डॉक्टर कुरियन थॉमस जो कहते थे चिता भी वहीं पर बच जाती है। आप इस भजन में देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। अगली बात आप देखते हैं, चौथी बात जो है एनालिसिस। जो लोग शोध रिसर्च करते होंगे उनको मालूम होगा इस शब्द का मतलब होता है जांचना, विश्लेषण करना, परखना, किसी चीज को गहराई में जाकर के देखना। यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर धर्मियों को क्या करता है, जांचता है, उसकी निगाहें मनुष्यों पर लगी रहती है, और वो एक स्कैनिंग मशीन के समान लगातार मनुष्यों का स्कैन करता है, एनालिसिस करता है। अगली बात आंसर, जो क्वेश्चन मार्क आप देखते हैं तीसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से चिंता भजनकार को हुई थी, उसका उत्तर आपको पांचवे पॉइंट में मिलता है, आंसर। छठवीं बात आप देखेंगे एडजुडिक्शन, इसका मतलब होता है एक न्यायपूर्ण आदेश, निर्णयादेश। जब तमाम बातें सुनी गई, बोली गई, परमेश्वर वहां पर आदेश ये देता है, एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन एक ऐसा शब्द है जो न्याय परिसर में या न्यायपालिका में इसका इस्तेमाल होता है, जब तमाम बातों को सुन करके जो न्यायाधीश होता है, जब वह निर्णय और आदेश देता है, तब इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एडजुडिकेशन। फिर अंत में आप देखते हैं एट्रीब्यूट्स, परमेश्वर के कुछ गुण वहां पर आपको दिखाई देते हैं, जिन गुणों की वजह से वो एक सच्चा न्यायी है हमें मालूम चलता है। तो ये सात बातें हैं, लेकिन जबकि समय बहुत कम है हमारे सामने, हम इसमें से पांच बातों को हम देखेंगे, उसके नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएं। या ये पांच बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, वो तीन दो बार हो गया है, उसको चार और पांच कर दें। आइए हम फिर से एक बार मैं आग्रह करूंगा कि मैम उसकी पहली आयत को पढ़ने में सहायता, पहली पंक्ति भजन 11। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का दास दाऊद यहां पर कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, लेकिन वो ये बात किसी कारण से कह रहा है। बाइबल में जो भी बात लिखी गई है ना, उसके पीछे कारण है। अगर दाऊद यहां पर कहता है मेरा भरोसा जो है यहोवा परमेश्वर पर है, उसके पीछे कारण है। मैंने जैसे आपको बताया परिचय में कि जब वो शाऊल से अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा था, क्योंकि शाऊल को ये डर था कि उसकी राज्य सत्ता दाऊद हड़प लेगा या उसे छीन लेगा, तो उसने ये सोचा कि मैं दाऊद की हत्या कर देता हूं, उसे मार देता हूं, तो शायद मेरी सत्ता निरंतर बनी रहेगी। और फिर जब उसके प्राण का खोजी वो हो जाता है, उसे मारने का प्रयास करता है, दाऊद शाऊल से बचकर भागता है।
और मुझे लगता है कि उसके बचकर भागने के पीछे एक कारण है। हम जो भी अपने जीवन में करते हैं, व्हाटएवर वी डू इन आवर लाइफ, वी डू ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस। बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, कई बार गलतियां कर लेते हैं, कई बार उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, इसके पीछे किसी ना किसी की सलाह होती है। कई बार वो सलाह हमारे माता पिता की होती है, कई बार वो सलाह हमारे मित्रों की होती है, कई बार वो सलाह हमारे घर के दूसरे प्राचीन लोगों की, बुजुर्गों की होती है, कई बार वो सलाह हमारे सहपाठियों की, हमारे शिक्षकों की, या हमारे पासवान की होती है। लेकिन एक बात जो हमारे वरिष्ठ पासवान ने कहा था अपने उस संदेश में, कि हर एक अच्छा विचार जरूरी नहीं कि परमेश्वर का विचार हो। एवरी गुड आइडिया इज नॉट नेसेसरली अ गॉड्स आइडिया। कई बार जब लोग आपको सलाह देते हैं, हम बड़ी शिक्षता से उसे अपनाकर उसे मानने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। लेकिन जब दाऊद के पास कोई सलाह लेकर के आया, हो सकता है पहले सुनकर तो भागा, लेकिन फिर वो रुक गया और वो कहता है कि तुम्हारी सलाह तो मुझे भगाने की थी। इसलिए वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा कि एक पक्षी के समान क्या करो, वहां पर लिखा है एक पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। पक्षी कब उड़कर पहाड़ पर जाता है आप सबको पता होगा, जब भयंकर बारिश होती है, आंधी आती है, या जलप्रलय आ जाता है, सारे पेड़ तक पानी में डूब जाते हैं, जब हाहाकार मच जाता है, भूकंप आ जाता है, तब जो पक्षी होते हैं जिसमें ईगल सबसे इंपॉर्टेंट है, उकाब जो सबसे ऊपर उड़ने लगता है, वो बादल से भी ऊपर उड़ जाता है, राइट। तो किसी ने दाऊद को सलाह दिया कि भाई तुम्हारे तो जान का जोखिम है, तुमको कोई मारने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहा है, अब तुम एक काम करो, यहां से भाग जाओ। और भागता वो है जो भयभीत होता है। एक भयभीत पक्षी के समान क्या करो, उड़कर अपने बसेरे में या जहां कहीं भी तुम्हें जाना है ऊंचे स्थान में जाकर छिप जाओ। लेकिन दाऊद उनसे कहता है तुम मुझे ऐसी सलाह क्यों देते हो? हो सकता है भले कुछ समय तक उसने मान लिया, डर कर भागा। हमको पता है दाऊद कितने बार डर डर कर भागा, हम जानते हैं उसके बारे में। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो परमेश्वर के आदेश के द्वारा हुआ। जब उसने शत्रु को, समस्या को देखा, वो डर करके भागा, लेकिन रुका और सोचा कि तुम मुझे पक्षी के समान पहाड़ पर जाकर भागने या छिपने के लिए कहते हो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरा भरोसा यहोवा पर है। आमीन, हालेलुया। मेरा भरोसा यहोवा पर है क्योंकि वो मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। एक सुंदर गीत को हमने गाया, रखवाला यीशु है रखवाला। यदि आप उस गीत के अर्थ को समझते, मेरे प्रियो, आपके अंदर उस अर्थ को समझने के लिए भरोसे का होना जरूरी है, विश्वास का होना जरूरी है। हमारे वरिष्ठ पासवान ने वायरस एक्स के बारे में आपको बताया, लगभग 7-8 देशों में ऑलरेडी प्रिकॉशनरी एक्शन लिए जा चुके हैं, क्योंकि ये जो वायरस है वो कोविड से, उसके जो भी वेरिएंट आपने सुना होगा ओमिक्रोन और B12, उन सब से 10-20 गुना ज्यादा संक्रामक है और घातक है। संक्रामक भी है और घातक भी है। जितने लोगों को आपने देखा मरते हुए, उससे 10-20 गुना ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको सूचना ऑलरेडी मिल चुकी है अगर अखबार आप पढ़ते हैं। ऐसे एक परिवेश में भी हो जहां पर एक अनिश्चितता हमारे सामने हमें दिखाई देती है, दाऊद के समान हमारा जी करता है कि हम भी भागे भागे। आपके जिंदगी में शत्रु कौन है मुझे नहीं पता, आपके जीवन में वो भय दिलाने वाली बात कौन सी है मुझे नहीं पता, वो भय शाऊल का है या वो भय वायरस एक्स का है, या वो भय अपने भविष्य की अनिश्चितता को लेकर है, अपने करियर को लेकर। बहुत से जवान लोग यहां पर बैठे हैं, कोटा में आपने जो सुना होगा पिछले एक महीने के अंदर कितने जवानों ने आत्महत्या कर लिया, और वहां पर मैं बता रहा था ये बात अपने स्टूडेंट्स को, जो पंखा है वो पंखा ही वो रिप्लेस कर दिए, बोले कि ये पंखा वहां नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पंखे में जो लटकते हैं मर जाते हैं, तो उन्होंने पूरे फैन रिप्लेस करके वहां पे स्प्रिंग वाले फैन लगा दिए। अब कोई लटकेगा तो मरेगा नहीं, वो नीचे आ जाएगा क्योंकि वो पंखा क्या होगा, लटक जाएगा। मतलब अधिकारी इतने परेशान और चिंतित हो चुके हैं आत्महत्या की समस्या को लेकर।
मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपका मन कर रहा होगा भयभीत होकर के पक्षी के समान पहाड़ों में जाकर छिप जाए, लेकिन मैं चाहूंगा आज दाऊद के समान हम इस बात को डिक्लेयर करें कि मेरा भरोसा मेरे यहोवा परमेश्वर पर है। क्यों ना मेरे पीछे आप इस बात को दोहराएं, मेरा भरोसा मेरे यहोवा परमेश्वर पर है। तुम मुझसे कैसे कह सकते हो कि पक्षी के समान पहाड़ पर छिप जाओ? मेरे प्रियो, आज इस घड़ी में यह अवसर हमें मिला है कि परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है, भरोसा विश्वास एक ऐसी ताकत है जो दुनिया की किसी भी मुश्किल से आपको लड़ने में सहायक होती है। यहां तक कि अब नास्तिक लोग भी इस बात को मानने लगे हैं कि जिनकी आस्था होती है परमेश्वर पर, वो बीमारी से भी लड़ लेते हैं, वो मुश्किल से भी लड़ लेते हैं, वो असफलता से भी लड़ लेते हैं, और वो घिर कर उठ खड़े होते हैं। आमीन, हालेलुया। ये रिसर्च पेपर में ये बात आया है, ये आस्था में इतना ताकत है, विश्वास में इतनी सामर्थ है कि मरता हुआ आदमी जिंदा खड़ा हो सकता है। क्या आपको विश्वास है? यदि है तो बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा किसी मनुष्य की सलाह पर नहीं है, किसी की एडवाइस पर नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर। दूसरी बात आपके बीच में रखना चाहूंगा, पढ़िए उसकी दूसरी और तीसरी आयत का पहला भाग। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं, यदि नींवें ढाल ही जाएं। आप धन्यवाद। आप यहां पर देखते हैं दाऊद बताता है कि आक्रमण करने वाला कैसे आक्रमण करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज डेफिनेटली न्यूक्लियर बॉम्ब और AK-47 का जमाना है, तो तीर और धनुष बाण तो आपको मिलेगा नहीं, और फिर कहीं दिखता भी होगा तो पता है कहाँ दिखता है तीर और धनुष बाण, मैं बताना नहीं चाहूंगा। लेकिन आजकल के जमाने में ये आपको उतना रेलेवेंट नहीं लगता होगा, लेकिन आजकल भी तीर कमान चलते रहते हैं। बताया जाता है तीर से भी चोखा जो होता है ना, ये जुबान होती है। कई बार हो सकता है आप पर कोई तीर से हमला नहीं कर रहा होगा, लेकिन जुबान से आप पर कोई आक्रमण कर रहा है, और कई बार ये जुबान जो है अपनों के द्वारा ज्यादा दर्द देते हैं। और जो लेटर भी आपने देखा हमारे कलीसिया के लिए प्रेषित किया गया था, उसमें जुबान ही थी, शब्द थे जो इस्तेमाल किए गए थे, जिसके द्वारा हमें चोट पहुंची, हमें दुख हुआ, क्योंकि शब्दों में वो ताकत है जिनको धराशाही कर सकते हैं, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से, और कई बार शारीरिक रीति से, क्योंकि जो विचार मन में जाते हैं वो शरीर में काम करते हैं। यदि एक नेगेटिव वर्ड किसी ने आपको बोला है, आप सोच सोच के कब्र में पहुंच जाएंगे। ऐसा हुआ मेरे प्रियो, अगर दाऊद के ऊपर ये आक्रमण हुआ तो हम भी तैयार रहे, हमारे वरिष्ठ पासवान के ऊपर हुआ तो हम भी तैयार रहे। हर एक परमेश्वर के दास और सेवक के जीवन में यह परिस्थिति आती है जब उन पर आक्रमण किया जाता है। और पिछले बार आपने सुना, लास्ट संडे पास्टर जयंत ने इस बात को बताया कि कई बार वो आक्रमण आपके परिवार वालों के अंदर से होगा, ये दाऊद के जीवन में हुआ। कई बार वो आक्रमण आपके इनर सर्कल से होगा, वो भी दाऊद के जीवन में हुआ। पहले उसका बेटा, फिर उसका अपना सहकर्मी जो उसके पहले का राजा था, फिर उसके बाद बाहर वालों के द्वारा जो गोलियत था। तो मुझे नहीं पता आप पर आक्रमण करने वाला कौन है, लेकिन यदि आपके जीवन में आक्रमण हो रहा है, ये बात नहीं कि परमेश्वर आपसे दूर चला गया है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप परमेश्वर के भक्त हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में जो आपके साथ काम है, आपके कनिष्ठ, आपके वरिष्ठ हैं, आपके प्रति आक्रमण कर रहे होंगे। हो सकता है कि अगर कलीसिया के अंदर ऐसे लोग आपके साथ होंगे जो आपके लिए जाल बिछा रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, अगर दाऊद के जीवन में ये हुआ तो हम भी तैयार हैं कि हमारे जीवन में ये हो सकता है। लेकिन दाऊद के पीछे वो सीक्रेट क्या था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो निकल गया? मेरा भरोसा ये हुआ पर है। आमीन, हालेलुया। लोग कितनी नालिश करें, लोग कितनी निंदा करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन, हालेलुया। हर बार हमने इसी बात को सुना। अभी पिछले सप्ताह पासवान ने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, काफी लोगों को काफी ग्रुप में भेजा, उसमें लिखा था कि पिछले 18 महीने में जिन बातों से हम होकर गए, मतलब 18 महीने, यहां पर कोई 8 मिनट भी ऐसा कुछ बोल दे कितनी तकलीफ होती है, तो उनके दर्द को तो हम और आप समझ नहीं सकते, लेकिन हो सकता है आपको भी थोड़ा दर्द तो हुआ होगा, थोड़ी तकलीफ हुई होगी। याद रखिए,
इन सब से उबरने का केवल एक तरीका है, मजबूत अटैक के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मीनार की तरह खड़े होने के पीछे एक ही रहस्य है, और वो है मेरा भरोसा यहोवा पर है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारी सलाह, तुम्हारा आक्रमण, तुम्हारी निंदा मेरा फिर भी बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा। अगली बार मैं चाहूंगा उसकी तीसरी आयत का दूसरा भाग पढ़ें, पार्ट बी। तो धर्मी क्या कर सकता है? अब आप यहां पर देखिए, वहां पर आपकी बाइबल में क्वेश्चन मार्क होगा, जब नीवे ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? और मुझे पता है 3-4 साल पहले हमारे यूसुफ अजबा ने एक संदेश दिया था केवल इस एक फ्रेज के ऊपर, अगर बुनियादें ढा दी जाए तो धर्मी क्या करेगा। और ये मैं कहूंगा अगर आज की भाषा में इसका अनुवाद करें, जब अंतिम दरवाजा भी बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? जब अंतिम द्वार जो आपके जीवन में आपको सहारा का दिख रहा है जब वो भी बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? What will you do when the last door of help is shut down? लाजमी है कि ये प्रश्न आपको चिंतित कर देगा। दाऊद के जीवन में उस चिंता को हम देखते हैं, क्योंकि केवल आक्रमण 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 आक्रमण, निंदा, बुराई, परेशानी, संकट, मुसीबतें, भागना, दौड़ना, खून, हत्या, केवल इन्हीं बातों को वो देख रहा था। अंत में उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो क्वेश्चन करता है कि अगर बुनियादें ढा दी जाए, जिस पर वो खड़ा था शायद उसको ऐसा लगा कि बुनियादें ढह गई है, धर्मी क्या करेगा। और एक संदेश मैंने इस उपदेशक की पुस्तक से बीते सप्ताह बीते समय अपने बाइबल कॉलेज में दिया था कि एक अन्यायपूर्ण संसार आपको दिखाई देता है, आपके चारों ओर आपको दिखता है कि कितना अन्याय हो रहा है, किसी एक स्टेट में इतना ज्यादा वॉयलेंस हो रहा है, जवान बहनों का बलात्कार किया जा रहा है, पुरुषों की हत्या की जा रही है, लूटा जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, कलीसियाओं का क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। यह प्रश्न आपके अंदर आता हो जब बुनियादें ढा दी जाए तो धर्मी क्या करेगा? जब आखिरी रास्ता भी बंद हो जाए तब धर्मी क्या करेगा? यह चिंता हो सकता है आज आपको अंदर से खा रही होगी। आपकी चिंता आपके बच्चों को लेकर आपके पीछे लगी होगी कि आज मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसके करियर का क्या होगा, उसके एजुकेशन क्या क्या होगा। कुछ माता पिता लगातार शादी के लिए और कई बातों के लिए प्रार्थना विनती देते रहते हैं कि इनके भविष्य में इनका जीवन साथी कौन बनेगा, और हो सकता है आप आंसुएं बहा रहे होंगे इस चिंता के कारण, रो रहे होंगे, विलाप कर रहे होंगे, लिख लिख कर प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। और कई बार जब प्रार्थना में भी मन हल्का नहीं होता कई लोगों का, उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और फिर पासवान के पास आकर बोलते हैं, पासवान अब हम क्या करें आप बताइए। मेरे प्रियो, दाऊद अपने जीवन में उस चिंता से उस तनाव से होकर के गया, क्योंकि उसके सामने प्रश्न चिन्ह था कि अब मेरे जीवन को कौन बचाएगा, मैं तो मरने पर हूं क्योंकि मेरा शत्रु शाऊल मेरे पीछे है। लेकिन यहां वो समाप्त नहीं करता, वो इसके नेक्स्ट फ्रेज में नेक्स्ट पंक्ति में जाता है जो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहां उसने क्वेश्चन किया, आगे वो उसका उत्तर भी देता है। ये लिखने की एक शैली है, लिरिकल स्टाइल है, वेर यू आस्क क्वेश्चन एंड आंसर योर सेल्फ, जहां खुद प्रश्न करते हैं और उत्तर भी आप स्वयं देते हैं। एक बार प्रश्न उत्तर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मैं भाई साहब को बता रहा था, अपने बेटे आदि को मैं फूड चेन सिखा रहा था, मतलब कौन क्या खाता है फिर उसको कौन खा जाता है, पूरा चेन होता है ना। मेरी वाइफ ने वो बहुत सारे ऐसे टॉयज उसके लिए ऑर्डर करती रहती है जिसमें बहुत सारी सीखने की बातें होती है। तो इस बार उन्होंने एक टॉय ऑर्डर किया, एक पजल जो पूरा टूट जाता है और उसको फिर ऑर्डर में डालना पड़ता है, तो उसमें 3 फूड चेन थे, लैंड, वाटर एंड एयर। तो उसको मैं बता रहा था कि बेटा मेंढक जो है ना, फ्रॉग, वो छोटे छोटे कीड़ों को और पौधों को खाता है। जो चूहा है ना बेटा, वो भी कई बार घास को, बीज को, इन सब चीजों को खाता है। तो जैसे ही उसको ये बताया तो बोलता है, डैडी नो 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 यू आर रॉन्ग। तो मैं बोला, कैसे आप बोल रहे हो रॉन्ग बेटा, पहली बार तो तुम ये देखे हो, पहली बार मैं तुमको सिखा रहा हूं, ये तुम क्यों बोल रहे हो? नो डैडी, आई विल टेल यू, रैट डज नॉट ईट प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, रैट ईट्स चीज। कुछ लोग हंस रहे मालूम चल गए
कि रैट चीज कहां से खाना सीखे हम पर, कि चूहा जो है वो घास फूस और बीज नहीं खाता, चूहा जो है वो चीज खाता है, चीज, राइट? टॉम एंड जेरी में एक रेडीमेड उत्तर उसके पास है ये बताने के लिए कि वो क्या खाता है। वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ जब इस बात को सुना। फिर उसे मुझे अलग से समय लेकर सिखाना पड़ा कि बेटा चूहा और भी क्या क्या खाता है। तो कई बार केवल क्वेश्चन में भी हमारे अंदर उत्तर हमारे पास नहीं है, कई बार विद्यार्थी आते हैं चेहरा लेकर के और वहां उनके माथे पर क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद आगे हम देखते हैं उसका उत्तर वो क्या देता है। पढ़िए उसकी चौथी और पांचवी आयत। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हाँ, आप सुनिए जो प्रश्न उसने पूछा, नींवें ढा दी जाए धर्मी क्या करेगा, अब उत्तर ध्यान से सुनिए। हाँ, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। देखती रहती है। और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। उनको जांचती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है, जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, जिस किसी बात से आप होकर के जा रहे हैं, उन सारी बातों का उत्तर यह है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। उसके अकाउंट में सारी बातें हैं, आपका दुख, आपके आंसू, आपका रोना, आपकी परेशानी, आपके शत्रु, आपके विरोधी, वो सब कुछ देख रहा है। और एक दिन आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे। और जब हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सत्य का डिक्लेरेशन हुआ, तो मुझे याद है उन दिन जब बरिस पासवान प्रचार के लिए आए, सबसे पहला खतन था कि सत्य की हमेशा जीत होती है। उसके पॉलिटिकल नैरेटिव में जाऊंगा नहीं, लेकिन बरिस पासवान ने आते ही बोला कि सत्य की हमेशा जीत होती है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, वो कहता है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, आपकी तकलीफ, आपकी आंसुएं, सब कुछ उसके अकाउंट में है। पढ़िए उसकी पांचवी आयत को फिर से एक बार। यहोवा धर्मी को परखता है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। घृणा करता है। यदि आप आज धर्मी हैं, आपको कोई और सता रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा ये समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वचन के अनुसार ये समय आपके लिए परखने का समय हो सकता है। आपके जीवन में कोई जांच हो सकती है, आपके जीवन में कोई परख हो सकती है। जो परिस्थिति आपके जीवन में है, हो सकता है आपको कुछ समय के लिए तनावपूर्ण लगे, लेकिन साथ में परमेश्वर अन्यायी और अधर्मी को भी देख रहा है और उससे वो घृणा कर रहा है। केवल हम ये सोचते हैं प्रभु ये तो अधर्मी होकर के बढ़ते ही जा रहा, उन्नति ही कर रहा है, सफलता ही पा रहा है, पदोन्नति हो रही है, मेरा क्या? मैं एक से बातें कर रहा था, वो बताते हैं कि देखो उसके साथ वाले इतनी बुराई करते हैं, वो तो प्रभु पर विश्वास भी नहीं करते, वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु के मार्गों में चलता हूं, लेकिन मेरा क्या? सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मेरे लिए क्या कोई द्वार नहीं है? दाऊद आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर और अधर्मी दोनों के ऊपर लगी हुई है, और यदि आप अधर्मी हैं तो ध्यान रखें बदल जाए। यदि आप पापी हैं, आपके अंदर जीवन में कोई इसी प्रकार का अधर्म पाया जाता है, पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर की निगाहें आप पर हैं। और अंतिम भाग में लिखा है पांचवी आयत के, वो अधर्मी से, अन्यायी से घृणा करता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करें, अपने कर्मों को सुधारें, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपनी आत्मिकता को आप संवारें। और अंतिम बात पांच मिनट मेरे सामने है, बताकर मैं समाप्त करूंगा। पढ़िए उसकी छठवीं और सातवीं आयत। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग, गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अंतिम बात प्रभु इस बात को कहता है कि अजुडिकेशन, एक निर्णायक पूर्ण आदेश परमेश्वर आपके विषय में देगा। एक दिन आएगा जब आपके दुखों का अंत हो जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। आज कितनी गवाहियां हमने यहां पर सुनी, लगभग 7 लोगों ने आकर के गवाही दी है, और उसमें से 3 या 4 गवाही एक अद्भुत गवाही थी, कि उन्होंने सोचा नहीं था उनके जीवन में क्या होगा और परमेश्वर ने ऐसा काम किया। ये गवाहियां इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर है। हो सकता है आज आपके पास कोई गवाही ना हो,
लेकिन परमेश्वर आपको गवाही देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वह आपके विषय में न्यायपूर्ण आदेश देगा, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। लेकिन सारी बातों को पूरा करने के लिए इसके पहले भाग को आप ना भूलें कि आपका भरोसा किसके ऊपर है। आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, आपकी मुश्किलों के मध्य में यदि आपको जय पाना है, यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको बीमारी की अवस्था से उठ खड़े होना है, मैं आपसे कहना चाहूंगा आपका भरोसा किसके ऊपर है, आपकी आशा किसके ऊपर है। दाऊद के खिलाफ इस प्रकार के सलाह देने वाले बहुत उसे मिले, और आपके घर में भी होंगे, आपके परिवार में होंगे, आपके पड़ोस में होंगे, आपके बाजू में होंगे। लेकिन ध्यान रखें, क्या वो सलाह परमेश्वर की सम्मति से आ रहा है या किसी मनुष्य की बुद्धि दुष्ट विचार के द्वारा ये सलाह आपको दिया जा रहा है। क्योंकि परेशानी का सामना करना ही परेशानी पर जय पाने का पहला कदम है। याद रखें, अपने मुसीबत का सामना करना ही मुसीबत पर जय पाने का पहला कदम है। यदि जो डर गया वो मर गया, जो शर्मा गया वो पराजित हो गया, जो घबरा गया वो पीछे हट गया और शत्रु जीत गया। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन क्या की आत्मा दी है? हमें लेपालकपन की आत्मा दी है, हियाव की आत्मा दी है, विवेक की आत्मा दी है, सुचारू मन और विचार की आत्मा दी है, जिसके द्वारा हम अपने शत्रु का सामना कर सकते हैं, मुश्किल घड़ी का सामना कर सकते हैं। आज कितने लोग हैं कोविड पर जय पा करके यहाँ पर बैठे हैं। सबसे बड़ा नमूना हमारे पास बाम का है। इतनी बड़ी हृदय घात की अवस्था से आज वो निकल कर हमारे बीच में बैठे हैं और पहले से ज्यादा सामर्थ से वो बोल रहे हैं। मेरे को भी कोविड हुआ, सात सात छह छह फ्यूनरल देना पड़ा, दो बार मेरे को सिम्टम्स आए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज उसके वचन को लेकर के मैं खड़ा हूं। मैं बताऊंगा क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा उस यहोवा परमेश्वर पर है। आमीन, हालेलुया। यदि आपका भरोसा यहोवा पर है, अपने हाथों को उठा करके बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब स्थानों में खड़े हो जाएं, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा आज ये प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना हो जाए। आपके सामने खड़ी हुई संकट, परेशानी, बीमारी, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ लोगों की बीमारियों के बारे में हमें पता है, लेकिन क्या आज आप उससे कहना चाहेंगे कि मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, और मेरा भरोसा जबकि उसके ऊपर है, मैं भागूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन डटकर अपनी समस्या का सामना करूंगा और मैं उस पर जय भी पाऊंगा। आज हमारी कलीसिया विजय पा रही है, आज हमारी कलीसिया जीत रही है। संकट आई, मुसीबतें आई, विरोध आया, परेशानी आई, लोग हमारे शत्रु बने, लेकिन आज परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारा मित्र बना रहा है। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर लें कि उसके वचन के द्वारा उसने हमें आशीषित किया है। हाँ, भय हमारे जीवन में है, डर हमारे जीवन में है, भागने का मन हमको कर रहा है, अपनी आंखों को सब बंद करें, लेकिन मेरा भरोसा उस यहोवा पर है। आमीन, हालेलुया। अपने मन में इस बात को कहे दाऊद के समान कि मेरा भरोसा तुझ पर है मेरे यहोवा, मैं किसी पक्षी के समान डर कर भागूंगा नहीं, लेकिन समस्या का सामना करूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए न्याय को प्लान किया है, तूने मेरे लिए एक योजना बनाई है, और मैं जय पाऊंगा, विजयी होऊंगा, क्योंकि तू मेरे पक्ष में खड़ा होगा और अन्याय को दंड देगा, और जब मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा मेरी दुआ को तू सुनेगा। तो क्यों ना बड़े विश्वास के साथ हम अपनी उस चुनौतियों को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रख दें। दो मिनट हमारे सामने, मैं चाहूंगा हर एक अपने होठों को खोल करके अपने मनो